अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक पार्ट वन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर वन का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने साइंस के सब्जेक्ट चूज़ किए, अब हम साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री भी एक साइंस का पार्ट ही है, साइंस की एक ब्रांच ही है। तो हम सब सुनते आ रहे हैं साइंस, साइंस की बातें हो रही हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइंस क्या चीज़ है। व्हाट इज साइंस? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइंस, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, ऐसा नॉलेज जो कि ऑब्जर्वेशन की बिना पर और एक्सपेरिमेंट की बिना पर, तजर्बात की बिना पर, मुशाहदात की बिना पर हम हासिल करते हैं, उसको कह देते हैं हम साइंस। मिसाल के तौर पर अब हम जानते हैं कि, मिसाल ले लें कोई भी, कि बल्ब की इन्वेंशन थॉमस एडिसन ने की। ठीक है, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया कि रोशनी, सूरज को ऑब्जर्व किया, अच्छा रोशनी है, ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया कि मैं बल्ब कैसे बना सकता हूँ, मुझे भी एक रोशनी का सोर्स चाहिए, रोशनी का ज़रिया मैं कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एट लास्ट वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और उन्होंने बल्ब इन्वेंट कर दिया। ठीक है, तो ये एक मिसाल थी कि साइंस के नॉलेज की, उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट गेन किया। तो ये चीज़ आ जाती है साइंस में, ऐसा इलम जो हम शहादात और तजर्बात की बिना पर हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स की बिना पर हासिल करते हैं, उसे हम कह देते हैं साइंस। ठीक है, अब ये सिंपल साइंस का कॉन्सेप्ट था। अब साइंस नॉलेज है, ये कोई छोटा मोटा नॉलेज तो है नहीं। ठीक है, अब इसकी आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, तो बहुत सारी टाइप्स में से एक टाइप है केमिस्ट्री, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानेंगे अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन के, केमिस्ट्री क्या चीज़ है। ठीक है, अब साइंस के हमने डेफिनेशन डिस्कस की, अब उसकी एक फर्दर टाइप आ गई केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन के मुताबिक, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैंने चार चीज़ें बयान की कि साइंस की ऐसी शाख, साइंस की ऐसी ब्रांच जो कि मैटर के कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, मैटर के कंपोजिशन जिसमें हम डिस्कस करते हैं, मैटर का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, मैटर की साख्त, मतलब स्ट्रक्चर साख्त को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं कि उसके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। तो ये साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये चार चीज़ें डिस्कस करते हैं, केमिकल्स के रिलेटेड, ये डिफरेंट कंपोजिशंस के मतलब, तो ये चीज़ आ जाती है केमिस्ट्री में। ठीक है, अब मैंने बात की कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो आपने अब मैटर का वर्ड सुना, तो अब पहले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है, मैटर क्या चीज़ है, मादा क्या चीज़ है, मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं, तो मादा क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है, एनी थिंग डैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, हर वो चीज़ जिसका अपना एक मास है, जिसका अपना एक मास है और वो जगह घेरता है, तो वो एक मैटर कहलाता है। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, तो ये मैंने उस जगह की जगह घेरी हुई है। ठीक है, वो जगह मैंने घेरी हुई है, वो जगह मेरे अंडर है। ठीक है, और मेरा अपना एक मास भी है, जिसे स्मॉल एम कहते हैं, मास। ठीक है ना, तो मास है, मेरा अपना मास है, मैं जगह भी घेरा हूँ, तो मैं भी एक मैटर हूँ। हम जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं दुनिया में, हर चीज़ मैटर है। हम जिस चीज़ को छूते हैं, हम देखते हैं कि वो चीज़ जगह घेर रही है, उसका अपना एक मास है, चाहे जितना भी छोटा मास हो या बड़ा हो, ये डिपेंड नहीं करता, मैटर मैटर है। ठीक है, दो कंडीशन है कि मास भी होना चाहिए और दूसरा कि वो जगह भी घेरता हो, तो ये आ जाता है मैटर में। ठीक है, तो ये हो गया मैटर का कॉन्सेप्ट। अब डेफिनेशन में मैंने चार चीज़ें डिस्कस की, सबसे पहले नंबर पर जो आ रही थी वो थी कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, अब देखें इस हेडिंग को डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है। कंपोजिशन कहाँ से निकला है, कंपोज से। कंपोज किसे कहते हैं, कि चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं, किन चीज़ों से कंपोज हुई हैं। मिसाल के तौर पर कंपोजिशन ऑफ मैटर है ना ये वर्ड, तो मैटर हम ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर। ठीक है ना, वाटर का फार्मूला क्या आता है, H2O, तो ये हो गया वाटर। अब वाटर हमें पता है ये एक मैटर है, तो इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं हम, कि देखना चाहते हैं कि वाटर बना कैसे, इसकी कंपोजिशन कौन सी है, मतलब ये किन चीज़ों से कंपोज होकर ये वाटर बना है।
ठीक है। अब देखिए वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोज होने से ये वजूद में आया वाटर, तो ये हो गई कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब दूसरी मिसाल नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, तो नमक हम देखते हैं जो खाने वाला नमक है सिंपल सॉल्ट, उसे हम NaCl कहते हैं, तो वो चीज़ कंपोज कैसे हुई, वो चीज़ वजूद में कैसे आई, किन चीज़ों के मिलने से बनी, तो ये एक सवाल है। तो ये चीज़ हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, और केमिस्ट्री का एक पॉइंट डेफिनेशन का मैंने बोला कि कंपोजिशन ऑफ मैटर, तो कंपोजिशन के मुताबिक क्या पढ़े हैं कि किन चीज़ों से ये कंपोज होकर बनी है, तो ये बनी है सोडियम Na और Cl क्लोराइड, इन दो चीज़ों के कंपोज होने से NaCl वजूद में आया, जिस तरह वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वजूद में आया। तो ये पहला पॉइंट हो गया कंपोजिशन ऑफ मैटर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर से क्या जिन्हें आता है, साख्त, जिस तरह हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हम बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे है, हमारा हड्डियों का स्ट्रक्चर, बोन्स स्ट्रक्चर देखते हैं, तो एक खास तरतीब से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इसी चीज़ को अगर केमिस्ट्री में हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ऑक्सीजन की मिसाल दी मैंने, तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑक्सीजन सेंटर में है, उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, H2 है ना, H2O फार्मूला है वाटर का, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन है, उसके साथ एक लगा हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन लगा है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं सिंपल के स्ट्रक्चर क्या होता है चीज़ का, ठीक है। NaCl, NaCl का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड होता है आपस में, वो चीज़ किस तरह से जुड़ी हुई है, वो चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर में, हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है तीसरा पॉइंट जो इस डेफिनेशन के मुताबिक केमिस्ट्री की, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की खसूसियात, मादा की खसूसियात क्या चीज़ है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ भी दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए फिजिकल का वर्ड सुनते क्या जेहन में आता है, फिजिकल, जिस्मानी, जैसे कि हम कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है फिजिकल पार्ट्स में। तो इसी तरह अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो जो हम केमिकल्स, जो मैटर लेते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पर अब ये कार है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हार्ड है, इसे हम, ये सख्त है, सॉलिड है ये, ठीक है। अब ये इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्लैक कलर, ठीक है। तो ये भी इसके कलर, हार्ड और बहुत सारी चीज़ें ये आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। अब दूसरी बात क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी हमने बात की कंपोजिशन, मिसाल के तौर पर ये कार है, अब ये किससे बनी है, ये सॉलिड है, ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब ये बनी लोहे से हुई है, लोहे के अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं, इसके अंदर लोहे की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लोहे का क्या बॉइलिंग पॉइंट है, किस पर लोहा पिघल जाता है, तो वो उस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हुई, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और दूसरी आ गई केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हो गए तीन पॉइंट डिस्कस डेफिनेशन के मुताबिक। अब चौथा पॉइंट जो था वो था केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब मैंने सबसे पहले मिसाल दी थी H2O की, अब हमने पता है कि वो कंपोज हुआ है हाइड्रोजन उसका, तो उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये रिएक्शंस क्या है, ये देखें, ये एक तरफ H2O है, एरो, ये बना किस चीज से है, H2+O2, इससे बना हुआ है, बाद में हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन करने के वजह से ये वजूद में आया है वाटर। इसी तरह NaCl की मिसाल दी थी, ये सोडियम और क्लोराइड के आपस में रिएक्शन करने से सोडियम क्लोराइड बना, सॉल्ट बना, ठीक है। तो ये हो गई चार पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हमने जो थे डेफिनेशन के मुताबिक, ठीक है। तो ये हो गई व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा। अब जान लेते हैं कि केमिस्ट्री का यूज़ क्या है। हम हर जगह दुनिया में जहाँ पर देखते हैं केमिस्ट्री का यूज़ है, जिस तरह फिजिक्स का यूज़ है, तो साइंस तो हर जगह है ही है। तो साइंस के आगे ब्रांचेज में हमने डिवाइड कर लिया, तो हम केमिस्ट्री को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री की क्या ब्रांचेज हैं। मिसाल के तौर पर हम मेडिसिन लेने जाते हैं, तो वो मेडिसिन के फार्मूले होते हैं, उसके अंदर कंपोजिशन हुई होती है मैटर्स की, तो जो केमिस्ट होते हैं वो लेबोरेटरीज में इन मेडिसिन को इन्वेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बिना पर, आगे ना वही बात साइंस वाली। तो साइंस के डेफिनेशन सभी ब्रांचेज पर अप्लाई होती है कि ऑब्जर्व हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो ये होगा मेडिसिन में, उसके अलावा एग्रीकल्चर में, खाद्य
जो खाद्य होती हैं हम डालते हैं फसलों में, जिसकी वजह से फसलें ग्रोथ करती हैं, तो वो भी इसी वजह से होती हैं। वो केमिस्ट जो हैं वो करते हैं एक्सपेरिमेंट और उन चीज़ों को बनाते हैं। उसके बाद पेस्टिसाइड्स, कीड़े मारने वाली अद्वियात, फसलों में जो कीड़े मारते हैं, जो दवाई लगाई जाती है, स्प्रे की जाती है, तो वो किस वजह से बनी? वो भी केमिस्ट्स की वजह से बनी, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कंपोजिशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केमिस्ट्री की वजह से वजूद में आई हैं। अब एक और मिसाल जो कि है डिटर्जेंट्स, जो सर्फ यूज़ करते हैं हम कपड़े धोने के लिए, अब ये भी केमिकल कंपोजिशंस, डिफरेंट रिएक्शंस के बाद केमिस्ट ने इन्हें इन्वेंट किया है, तो ये भी आ गया केमिस्ट्री में। ठीक है, अब बहुत सारी इसकी यूज़ हैं हमारी लाइफ में, तो ये मैंने मेजर्स बता दी हैं। ठीक है, अब ये हो गया लाइफ। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? साइंस, साइंस की आगे फर्दर टाइप्स हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके चार पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका यूज़ क्या है, तो ये हो गया व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मुकम्मल इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। अगर फिर भी इसके मतलब आपका कोई भी सवाल हो या कोई कन्फ्यूजन हो व्हाट इज़ केमिस्ट्री, इसका यूज़ क्या है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके अगले लेक्चर में हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।